आपको लग जाएगा कि यही है, और आप उनसे जाके मिलेंगे और वही आपको दीक्षा देंगे, उसी के गुरु आपको मिलेंगे जो साधना आप करना चाहते हैं। जो भी साधनाएं आप करते हैं नित्य बिना दीक्षा के, लोगों की आदत होती है वर्षों से हनुमान चालीसा में पढ़ रहे हैं, श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस में कौन सी दीक्षा चाहिए? गुरु स्वयं आपके जीवन में प्रवेश करते हैं, कहीं ना कहीं से वो आपके जीवन में आ जाएंगे, चाहे इंटरनेट के माध्यम से ही हो। तो दीक्षा के लिए भटकते फिरेंगे गुरु जीवन भर में नहीं मिलेंगे आप। सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है गुरु। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश चौधरी का प्रणाम। मित्रों, दीक्षा संबंधी बहुत बड़े प्रश्न आते हैं, मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, मेल्स आते हैं। देखिए, दीक्षा के संबंध में मेरा विचार जो है थोड़ा सा अलग है। हो सकता है कि लोगों को ये ठीक ना लगे, कई लोगों को ये बुरी लग जाए मेरी बात, लेकिन मैं अपनी बात पर अटल हूं। मैंने जो चीजें देखी है समझिए, मैं उसी के अनुरूप बात करता हूं। जो हमारे गुरु जिसे हमें मिला है, मैं वही ज्ञान आपकी तरफ प्रेषित कर रहा हूं एज ए मैसेंजर। देखिए, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि कोई भी मंत्र जब आप किसी काम में प्रयोग के लिए करते हैं, किसी जीवन में उसको साधना बनाना चाहते हैं, उससे कोई ना कोई फल प्राप्त करना चाहते हैं बड़ा, तो आपको उसमें दीक्षा की आवश्यकता होती है। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे महाविद्याएं हैं, दश महाविद्याएं हैं, उप महाविद्याएं हैं, इनकी जब आप साधना करते हैं जीवन में, उनको अपने जीवन में एक साधना के रूप में उतारते हैं, तो आपको दीक्षित होना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो इस पर है कि दीक्षा के लिए क्या, कहां ढूंढें गुरु, गुरु महाराज कहां मिलेंगे। तो दीक्षा के लिए जो सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है गुरु। गुरु को कैसे ढूंढा जाए, क्या किया जाए? इंटरनेट के ऊपर तो बहुत सारे गुरु हैं, आपने अपने जीवन में भी साक्षात बहुत गुरुओं से मिले आप होंगे। कुछ कंडीशंस हैं, देखिए, जिस मंत्र की, जिस स्तोत्र की, जिस सहस्त्रनाम की, जिस कवच की, जो भी आप कुछ साधना करना चाहते हैं, इसके लिए उसी गुरु को आप ढूंढिए, उसी गुरु को खोजिए, उसी गुरु का चयन कीजिए जो स्वयं उस पर्टिकुलर मंत्र स्तोत्र सहस्रनाम कवच का पाठ करता हो, या उसने उसे सिद्ध कर रखा हो, या उसने उसकी साधना कर रखी हो। कोई हनुमान चालीसा श्री रामचरितमानस का पाठ कोई गुरुजी करते हैं, अब उनसे आप कोई तांत्रिक साधना लेंगे, श्री विद्या की कोई मंत्र आप उनसे लेना चाहें, नॉट पॉसिबल, ये नहीं होगा। ठीक है, जो साधना आपको करनी है उसी विद्या के साधक गुरु से आपको साधन, आपको जो है वो दीक्षा लेनी होगी। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा, अभी मैंने एक लाइन बोली थी कि उसी गुरु को ढूंढिए। अब इसका एक आध्यात्मिक अर्थ है कि आप कभी गुरु को नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, हम कभी अपने गुरु को नहीं ढूंढते हैं। जब हमारे पुण्य, जब हमारी साधना, जब हमारी तपस्या, जब हमारा आचरण उस स्तर तक पहुंच जाता है, जब हमारा हमारी निष्ठा अपने मंत्र, अपनी साधना के प्रति उस अवस्था तक पहुंच जाए, जब हमारा संकल्प इतना गाढ़ा हो जाए, इतना गहन हो जाए, तब गुरु स्वयं आपके जीवन में प्रवेश करते हैं, कहीं ना कहीं से वो आपके जीवन में आ जाएंगे, चाहे इंटरनेट के माध्यम से ही हो, आपके जीवन में उनका प्रवेश हो जाएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि इनके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, इनके बिना मेरा जीवन संभव नहीं है, अब यही उद्धार करेंगे। इस प्रकार से गुरु आपके जीवन में पदार्पण करते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि गुरु को खोजा नहीं जाता, गुरु स्वयं आते हैं, गुरु आपको ढूंढते हुए आएंगे। इसके लिए आपकी तपस्या को उस स्तर पे होना पड़ेगा। अब आप कहेंगे जी कि दीक्षा तो हुई नहीं, तब हम साधना कैसे कर रहे हैं और वो हमें कैसे ढूंढेंगे, जब हम साधना तो कर नहीं सकते बिना गुरु के, तो उन्होंने हमें कैसे ढूंढ लिया? आपका आचरण नित्य प्रति, जो आपका नित्य पूजन है, देखिए नित्य पूजन में कहीं कोई दोष नहीं है, बहुत ज्यादा साधना भी अगर आप करते हैं, नित्य कोई माला फेरते हैं, नित्य कोई मंत्र आप अगर जपते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। उच्चारण स्पष्ट हो बाबा, बस मैं तो ये बात बोलता हूं हमेशा, उच्चारण स्पष्ट नहीं है, उसका ध्यान नहीं है, मंत्र का और मशीन की तरह जपे जा रहे हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखे हैं काफी सारे, आप पीछे जाएंगे प्लेलिस्ट में, मंत्र साधना रहस्य वाली प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि नए लोग जोड़ते हैं तो बताना जरूरी होता है। तो मेरा कहने का आशय यह है कि आप नित्य
जो भी पाठ आप करते हैं, जो भी साधनाएं आप करते हैं नित्य बिना दीक्षा के, लोगों की आदत होती है वर्षों से हनुमान चालीसा में पढ़ रहे हैं, श्री रामचरित मानस पढ़ रहे हैं, रामचरित मानस में कौन सी दीक्षा चाहिए, कर लो, करते रहो। जो भी पाठ आप करते हैं, शिव तांडव स्तोत्र जपते हैं कई लोग, कई लोग लिंगाष्टकम, एनीथिंग, कुछ भी स्तोत्र पाठ आप करते हैं, कोई मंत्र जपते हैं, पंचाक्षर मंत्र ले लो, नारायण भगवान का मंत्र ले लो, है ना, द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ले लो, हरि हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण महामंत्र ले लो। इस प्रकार से जो भी मंत्र आप अपने जीवन में नित्य प्रति जपे जा रहे हैं उसको जपते रहिए, अपना आचरण शुद्ध रखिए और गुरु के प्रति लालसा रखिए कि गुरु जी महाराज कब मेरे जीवन में आएंगे। जिस दिन आपके कर्म कट गए, जिस दिन आपका कर्म संस्कार उस लेवल पर पहुंच गए, गुरु अपने आप आपके जीवन में आएंगे, आपको लग जाएगा कि यही है, और आप उनसे जाके मिलेंगे और वही आपको दीक्षा देंगे, उसी के गुरु आपको मिलेंगे जो साधना आप करना चाहते हैं। तो वीडियो मैंने वहां से स्टार्ट किया था कि दीक्षा जब लेना है तो गुरु को कैसे ढूंढा जाए। तो गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने अपने तप को इतना बढ़ाइए, अपने संकल्प शक्ति को इतना प्रबल कीजिए कि गुरु स्वयं आएंगे। आप भटकते फिरेंगे, गुरु जीवन भर में नहीं मिलेंगे आपको। इससे बेहतर है कि अपने घर पे बैठ के अपने स्तर पर जो साधना आप करना चाहते हैं, शांत चित्त होकर किसी ध्यान की अवस्था में उस साधना को आप करते रहिए, उसके प्रति अपनी अटूट श्रद्धा रखते हुए निरंतरता रखिए, उसमें अपने आप होगा। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि यदि कोई गुरु ना हो तो गुरु दीक्षा कैसे ली जाए, भगवान महादेव से, शास्त्र ऐसा भी तो कहते हैं जब कोई नहीं होता तो शिव से आप दीक्षा लेकर आप अपनी साधना स्टार्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में उस पर बात करेंगे। आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदीच आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।